आपका इंटरकॉम काम नहीं कर रहा है, तभी बाहर आपको एक कांच तोड़ने का, एक कांच तोड़ने के बाद इधर साइरन बजेगा। ओके, इसका सेम इंडिकेशन नीचे सिक्योरिटी की इधर एक पैनल दिया हुआ है, तो नेबर लोगों को पता चलेगा कि 10th फ्लोर पे कुछ तो हुआ है, तो सिक्योरिटी आपके हेल्प के लिए दौड़ के आएगा, आपके नेबर लोगों भी बाहर आ जाएंगे। हर फ्लोर के ऊपर एक स्टेशन है, इसे कैसे कैसे इस्तेमाल करने का, इधर एक सील दिया हुआ है, ये सील को ट्विस्ट करके तोड़ देने का, बाद में रॉड को बाहर खींचने का है, और जिधर फायर लगी है पहले उसको सराउंडिंग एरिया पे मारने का है, बाद में बीच में मारने का है। आप डायरेक्ट बीच में मारोगे, इसका प्रेशर और हवा से वो फैल सकता है, और आजू बाजू में और कुछ पेपर वेपर रहेगा तो उसमें लग के आग बढ़ सकती है। इसकी आपको और ज़रूरत है तो आपके ऊपर के फ्लोर पे है, आपके नीचे के फ्लोर पे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया छोटे मोटे फायर के लिए, जैसे बड़ी फायर लगती है कोड पेपर गद्दा तक इसमें आग लगती है, तो आपने इधर वाटर सिस्टम दिया हुआ है वो एक बार। पहले तो आपको इधर एक वॉल दिया हुआ है, वो वॉल को चालू करने का है, बाद में पाइप को खींच के लेके जाने के जिधर फायर लगी है उधर, बाद में उसको नोजल को ओपन करने का, इसके बावजूद भी आग और बढ़ रही है, आपके पास से कंट्रोल नहीं हो रही है, तभी सब दरवाजों को लेके स्टेयरकेस से नीचे चले जाने का, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने का, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कोई फायर ब्रिगेड वाले को कॉल कर देते हैं तो फायर ब्रिगेड वाला आने के बाद मेन कटआउट निकाल देता है, तो आप एक मुसीबत से निकल के एक में फंस सकते हो, इसलिए सब लोगों को लेकर स्टेयरकेस से नीचे चले जाने का।